हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डिफरेंट कलर की फोलियज वाला बहुत ही प्रिटी एक प्लांट है। इसका नाम है पाइनएप्पल ब्रोमेलिएड। आज हम लोग इसके बारे में केयर देखेंगे और इसको कैसे सजा सकते हैं। अगर आप ग्रीन कलर के साथ इसको प्लांट्स के साथ रखें तो ये बहुत ही प्रिटी लगता है। और अगर आपकी बालकनी या टेरेसेस में बहुत तेज़ धूप आती है, समझ नहीं आ रहा कौन से प्लांट्स रखें, स्ट्रॉन्ग स्टडी, कई बार पानी भी भूल जाते हैं, तो ये वाला प्लांट आप रख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसमें आपको दिखाती हूँ, इसमें थोड़ी फ्लावरिंग भी हो रही है। ये देखिए, ये इसके जो ये दिख रहे हैं, ये इसके छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। इस प्लांट की बहुत वराइटीज़ होती हैं, एक वराइटी में तो पाइनएप्पल भी आता है। चलिए देखते हैं हम लोग इसकी सिंपल केयर। ये एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टर्डी प्लांट है जिसकी बहुत वैरायटीज होती हैं। इनमें से एक ये है, थोड़ा सा इसकी एजेस में थोड़ा रफ सरफेस है और थोड़ा प्रिक करता है। इसकी लीव्स थोड़ी ब्राउनिश कलर में है और इसमें ये फ्लावरिंग होती है। अब इसके बारे में देखते हैं कि हम लोग कि कैसे इसको ब्यूटिफुली ग्रो करें। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग सन बर्दाश्त कर लेता है, तो इसकी लोकेशन ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग सन आता है। और आप इसको अपने कुछ ऐसे गमलों के साथ रख सकते हैं जो थोड़ा इसके जैसे वेदर लाइक करते हैं, सन रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट। तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लांट है। अगर आपके बालकनी या टेरेस है जहाँ पर खूब धूप आती है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या प्लांट लगाएं, तो ये कुछ ग्रीन प्लांट्स के साथ आप लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छी लुक देगा ग्रीन प्लांट्स के साथ में। सनलाइट तो हम लोग ने देख ली कि अच्छी सी सनलाइट, ये समर्स में तो बहुत मई जून की गर्मी होती है तब आप अंदर रख सकते हैं, नहीं तो ये थोड़ा बाहर रह लेता है। अब वाटर रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी में इसको डिप रखेंगे तो इसमें क्राउन रॉट हो जाता है। क्राउन रॉट मतलब ये देखिए कितना डेंस है, इसके ऊपर का जो ये एरिया है ये गलने लग जाता है। ये देखिए यहाँ पर थोड़े थॉर्न्स है, हल्के से, ज़्यादा नहीं, जैसे सिंपल पाइनएप्पल प्लांट के लीव्स में होता है उसी के जैसा है ये। तो पानी डालें, वेल ड्रेनिंग सॉइल हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, और पानी डालें ऊपर से और नीचे से एकदम से निकल जाए। और इसको अगर हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन अगर वाटरिंग करेंगे तो ये चल जाता है। डिपेंड करेगा कि आपके एरिया में कितनी धूप या ठंड है या कितनी ब्रीज है। बहुत ज़्यादा पानी में इसको नहीं रखना है, बहुत हाई फर्टिलाइज़र नहीं है। मैं तो इसको जैसे काउडंग मेन्योर लिक्विड फॉर्म में डालती हूँ, साल में 2 बार वो इनफ होता है। अगर एक आध बार मिस भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट, इन्फेस्टेशन इनमें भी हो जाता है। इनफैक्ट इस प्लांट में भी इन्फेस्टेशन हो गया था। ये जो इसके फ्लावर्स हैं इसके ऊपर मैंने वाइट मिली बग्स देखे थे और काफ़ी ज़्यादा लग गए थे, क्योंकि ये मैंने ऊपर रखा हुआ था थोड़ा और वहाँ से मेरे को नज़र नहीं आया। फिर जब देखा तो थोड़े ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो गई थी। अगर ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो जाए तो मैं इसमें इमीडा क्लोप्रेट डाल देती हूँ। तो कुछ ड्रॉप्स ऑफ इमीडा क्लोप्रेट डाला था मैंने 1 लीटर ऑफ वाटर में, करीब 4-5, और उसको मैक्सिमम दो या तीन बार ही किया होगा और ये पूरा इरेडिकेट हो गया। इतना सिंपल है इसका इरेडिकेशन। और अगर आप इसमें शुरू में ही देख लें तो आप नीम ऑयल से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, नीम ऑयल और सोप सॉल्यूशन दोनों मिक्स करके। इसकी सॉइल के बारे में बात करें तो सॉइल इसको वेल ड्रेन लेनी चाहिए। तो वेल ड्रेन के लिए आप 1/4 सैंड, 1/4 कोकोपीट, 1/4 गार्डन सॉइल और 1/4 कॉम्पोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये ले सकते हैं। इससे ये वेल ड्रेनिंग सॉइल बनेगी और ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर इनका ध्यान रखोगे तो ये प्लांट बहुत अच्छा करेगा, बहुत प्रिटी लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।